अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। जब इंस्टेंट पिज़्ज़ा खाने का दिल करे ना, तो इस रेसिपी से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसे अवन, विदाउट अवन, हम दोनों तरीके से बनाने वाले हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिंग तैयार कर रहे हैं 7 से 8 ब्रेड का। तो इसके लिए लिया है एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, और इसे चंक्स में कट कर लिया है। और इसी तरह एक टमाटर लेकर इसे भी चंक्स में कट कर लिया है। साइड का इस्तेमाल किया है, बीच का इस्तेमाल नहीं किया है। और एक प्याज भी डाल देंगे काट कर, और 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे बॉयल कॉर्न, और 2 टेबल स्पून डाला है ब्लैक ऑलिव, 1/4 टीस्पून डालेंगे फ्रेशली कोट कर काले मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डाल देंगे ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक टू टेस्ट, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मशरूम और पनीर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बेसिक प्याज शिमला मिर्च और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे अवन में। तो इसके लिए मैंने लिया है 6 ब्रेड स्लाइस, और इसके ऊपर लगा देंगे बटर। तो बटर लगा देने से ही ब्रेड जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो सारे ब्रेड के ऊपर हमने बटर लगा दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केचप, 1/2 टीस्पून मायोनीज। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रेड के ऊपर इस पर ऐड कर देंगे। और इसी तरह सारे ब्रेड के ऊपर मायोनीज और केचप डाल देंगे, और इस पर ऐड कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे मोज़रेला चीज़। तो सारे ब्रेड के ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। अब ऊपर से डाल देंगे टॉपिंग जो हमने तैयार करके रखा था। तो अच्छे से टॉपिंग डालेंगे। तो टॉपिंग डाल दिया है, ऊपर से डालेंगे और एक लेयर मोज़रेला चीज़ का। थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और ऊपर से डाल देंगे ऑलिव। अब इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो ओवन को प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डालकर बेक कर लें। 10 मिनट के बाद ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो ये देखा आपने कितना झटपट से बन गया। तो इसे आप पार्टी में स्टार्टर रेसिपी के तौर पे या फिर स्नैक में बना सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं विदाउट अवन। तो लिया है 1 ब्रेड स्लाइस, और इसके ऊपर लगा दिया है बटर। ऐड कर देंगे केचप और मायनीज, और स्प्रेड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे टॉपिंग, ऊपर से और एक लेयर मोज़रेला चीज़ का डालेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डाल देंगे। लेंगे पैन, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बटर, और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम डाल देंगे ब्रेड। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ऊपर से डाल दिया है ऑलिव, और इसे ढककर लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो 5 मिनट के बाद देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो गया है, और विदाउट ओवन ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। तो ओवन, विदाउट ओवन जैसे दिल करे वैसे बनाइए, पर बनाइएगा ज़रूर। ट्राई द रेसिपी, फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।